छत्तीसगढ़ में आज वैक्सीन के 5,60,000 डोज आने वाले हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को गांव-गांव तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है। गांव में भी टीकाकरण केंद्र बढ़ाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से पिछले साल जैसे कोरोना संक्रमण के आंकड़े आने लगे हैं। बीते दिन छत्तीसगढ़ में करीब 2,000 के पास आंकड़ा पहुँच गया है। ऐसे में सभी लोगों को वैक्सीन देने की कवायद बढ़ गई है। रायपुर CMHO डॉक्टर मीरा बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की सीमित संख्या थी, इस कारण गांव में वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी, लेकिन वैक्सीन की नई खेप आने के बाद गांव में भी वैक्सीन रफ्तार पकड़ लेगी और जल्द गांव के लोगों को भी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, वैक्सीन सेंटर्स तो हमारे सभी अस्पतालों में अभी PSC लेवल तक शुरू हो गया है। अब हम गांव में जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, हम वहां भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। वो भी हम पूरी तरह से वहां पर भी, क्योंकि हम लोग वैक्सीन लगाने के आदी हैं, अन्य वैक्सीन की तरह इस वैक्सीन को भी लगाया जा सकता है। हम निचले लेवल तक के वहाँ पहुँचने की हमारी तैयारी पूरी है। रायपुर के सरोरा स्थित सार्थक इस्पात पर उस समय हड़कंप मच गया जब लगातार 3 धमाके हुए। अचानक हुए इस विस्फोट में वहां कार्य कर रहे लोगों की समझ में एक पल के लिए कुछ भी नहीं आया और देखते ही देखते वहां धुएं का गुबार और आग की लपटें दिखाई देने लगी। जानकारी के मुताबिक भट्टी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाने का काम किया जा रहा था। उस यूनिट के चारों ओर कोयला रखा था, वहीं पास में लोहे का बड़ा भट्टा भी था। उस भट्टे में कोयले को डाला जा रहा था। यूनिट में कोयला जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया जाता है। कोयला से गैस बनाने वाली यूनिट में लगातार 3 सीरियल ब्लास्ट हुए। भट्टे के आग कोयले पर गिरने से चारों ओर आग लग गई। जैसे ही ब्लास्ट हुआ वैसे ही भट्टे के कई टुकड़े दूर तक जा गिरे। वहां आसपास काम कर रहे हैं मजदूर धमाके की आवाज से चौंक गए, लेकिन भाग नहीं सके। मशीन के पार्ट्स और जला हुआ कोयला उन पर गिर गया, जिससे वहां मौजूद मजदूर झुलस गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम पवन साहू है, जो कबीर नगर में किराए के मकान से रहता था। घायल मजदूरों में फागुराम, सुनील कुमार, छत्रपाल सिंह, राम रतन, वैशाख राम, बिसाहूलाल, शिवचरण और राजकिशोर काम कर रहे थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधक के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। फैक्ट्री के बाहर मजदूर संगठनों का मुआवजा को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। मजदूर संघ के पदाधिकारी 20,00,000 मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रबंधन की ओर से 5,00,000 का मुआवजा तुरंत देने का प्रस्ताव रखा गया। सार्थक इंडस्ट्रीज में प्लांट में ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। उसमें धारा 287, 337, 304 एक तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है कंपनी प्रबंधन के खिलाफ। अभी कंपनी प्रबंधन और पीड़ित पक्ष में दोनों में मुआवजे के बाद चर्चा चल रही है। अभी दोनों पक्षों को सुरक्षा दिया जा रहा है। पवन साहू जो है, जिसका डेट हो गया वो है 17 साल का है, उसका बता रहे हैं 19 साल का है वो। ये लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। कल बोले घर पे आके कि 10,00,000 दूंगा, कोई बोलता है 5,00,000 दूंगा, कोई बोलता है 7। धमकी पे धमकी दे रहे हैं ये लोग हम लोग को। जो कोई बोलता है उसका बड़ा भाई हूँ, कोई बोलता है उसका छोटा भाई हूँ। हमें तो कुछ नहीं पता है, भैया भी कुछ बताए नहीं। कोई पॉलिसी वॉलिसी कटता है वो भी हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। वो भी कुछ होता तो हमारा कुछ तो लगता, वो भी नहीं लगा है तो कैसे जान जाए। कि वो आंटी एक आई थी, उन्होंने कहा कि उसका पॉलिसी कटता है, PF कटता है। फिर बोलती है, मतलब व्हाट्सएप करके बोलते हैं तो बोलती है कि नहीं उसका नहीं कटता, बनवाना पड़ेगा करके। लेकिन पहले वाले में कटता था, इसमें नहीं कटता।